So many videos inspiring by BK Shivani. She is an amazing speaker. You listen to her videos. Kya bolti hai wo, kya samjhati hai wo? In the one video which I shared in the group, it was amazing. It was extraordinary. And everybody should watch that video and make notes. Aapko kya samajh mein aaya wo video mein? Saath saath likhte jao. Main aapko bata raha hu main. This is what I do. Main jo aapko jo stories bata pa raha hu na. So now let me tell you. Every day, जो भी जिनका भी शेयरिंग हो रहा है जैसे कल चेतना जी का हो गया था सो दिस इज माई बुक दिस इज माई बुक उसमें पेज नंबर 69 पे मतलब नाउ दिस इज आई राइट पार्टिसिपेंट शेयरिंग सो आई कैन शो यू फ्रॉम डे वन मेरे पूरे शेयरिंग जिन्होंने भी शेयरिंग किया है मैंने मेरी बुक में लिखा है उन्होंने क्या शेयरिंग किया है तो इफ यू कैन रीड सो यस्टरडेज पेपर इज येरा This is Chetna ji sharing. Wow, sir. You are just amazing person. Wow. Very colorful. और ऐसे जो भी से अपन हमने शुरू किए हैं उसके पहले भी जैसे भी कोई अच्छी पावरफुल शेयरिंग आती है तो आई मेक अ नोट बिकॉज आई नीड दो शेयरिंग्स टू इंस्पायर अदर पीपल आर यू गेटिंग दिस और अब जो मैंने जो अभी बनाया है वो ये है कि मैं मुझे एक पिक्चर बनाना है सो विच इज माई ऑलवेज अ ड्रीम So I want to make a movie जैसे रोंडा ब्रांड ने सीक्रेट बनाई है ना उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टोरीज बताई है तो आई एम कलेक्टिंग दिस डेटा बैंक सो आई एम गॉटिंग दिस डेटा बैंक जो हमारी इंडियन मूवी बनेगी वहां हमारे इंडियन हीरो हीरोइंस रहेंगे सो ऑल दोज हु आर शेयरिंग ओवर हियर दे बिकम हीरो हीरोइन इन द मूवी लाइक आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन हाउ इट विल गेट शेप्ड अप बट आई एम गेटिंग अ डेटा बैंक सर कांग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेसफुल मूवी सर Super hit movie. So what will happen is, see, this is a miracle. 18 महीने से बीमारी ठीक नहीं हो रही थी किसकी? वो एक महीने के अंदर, when she started doing the things that she was loving, उनकी बीमारी चली गई. ना कोई डॉक्टर की जरूरत है हमें, ना कोई दवाई की. All you need is to be happy now. Are you getting this? Okay. So it's 9 p.m. and let's start. Let's start by clapping. Let's celebrate this wonderful session today. बहुत कुछ सीखने वाले हैं. And we say to ourselves, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Everybody has to say this. देखो ये affirmation की क्लास है. Today is the best day of my life. This is the best day of my life. Wonderful. आज कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं. And we are going to enjoy this wonderful session. Kindly share the affirmation card. Aaj ka jo card hai, mera one of my favorite. This is one of my favorite. I am possibilities. Wow. I am possibilities. So aaj ke jo chapters hai, chapters bhi kafi badhiya hai, achche hai. Maine matlab bahut hi achche hai. So let's start with who's reading. Can I read, sir? Okay. Yes, anyone, okay. jo bhi. Yes, somebody okay, just start. Yes, please start. Okay, Mamta ji, read. No, it's okay, Shaila. It's okay, it's okay. Thank you, thank you. Everything is possible because I believe I am living a life of possibilities. My possibilities are endless. Wow. Okay, everybody, aaj main aapko ek cheez aur batata hoon. कल का दिन सभी लोग एक ही सेंटेंस बोलेंगे दो चार बार पचास बार सौ बार एवरीथिंग इज पॉसिबल कल कोई भी आपको पूछे सर ये हो सकता है क्या आपने यहां नहीं बोलना आपने बोलना है एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल सब कुछ मुमकिन है हम क्या बोलेंगे सब कुछ मुमकिन है बस यू हैव टू इम्बाइड ये जो अफर्मेशन रहते हैं रिपीटेशन करोगे तो ही फायदा होने वाला है ओके हिंदी में कौन समझा रहा है सर मैं करूं
हाँ जी करें एवरीथिंग इज पॉसिबल सब कुछ संभव है बिकॉज आई बिलीव क्योंकि मेरा विश्वास है ये आई एम लिविंग ए लाइफ ऑफ पॉसिबिलिटीज मैं संभावनाओं का जीवन जी रही हूँ माई पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस मेरी जो संभावनाएं हैं वो अनंत हैं कोई अंत नहीं है उसका वाह बहुत बढ़िया मेरी संभावनाएं अनंत है अनलिमिटेड पॉसिबल मेरे मैं कुछ भी कर सकती हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है याद रखना एक बात आप कुछ भी कर सकती हैं कर सकते हैं अगर आपको विश्वास है तो बस ये याद रखना ये गीता में लिखा है जो क्रिश्चियनिटी है ना क्रिश्चियनिटी उनका जो मूल मंत्र है वो है फेथ 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 का मतलब बिलीफ सब कुछ पॉसिबल है मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है जो भी आपका विश्वास है वो पॉसिबल है थैंक यू नेक्स्ट माय माइंड इज फ्री ऑफ रेजिस्टेंस माय माइंड इज ओपन टू एक्साइटिंग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज वाओ हिंदी में कौन समझा रहा है मैं करता हूं सर हाँ जी करें एक एक करके नो प्रॉब्लम मेरा मन मेरा? सभी अवरोधों से फ्री है मेरे मन में कोई भी अवरोध नहीं है और मेरा माइंड सब कुछ करने में सभी चीजें करने में संभव है सक्षम है ओके सर हम करें हाँ जी करें मेरा मस्तिष्क किसी चीज के लिए विरोध नहीं करता मेरा दिमाग रोमांचक बेअंत संभावनाओं के लिए बिल्कुल खुला हुआ है क्या बात है वाह अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जिनको हिंदी समझती है आपने हिंदी में अपने अफर्मेशंस को लिख लेना है देखो ये अफर्मेशंस आपको लिखना है बोलना है सुनना है तीनों करना है बॉब प्रॉक्टर ने अपना एक ऑडियो कैसेट बनाया था और वो बोलते हैं कि सालों साल तक वो कैसेट को सुनते थे गाड़ी में बैठे हैं अपना कैसेट लगा के सुन रहे हैं रात को लगा के सो रहे हैं अनगिनित संभावना आई एम ओपन माई माइंड मेरा जो मन है मेरा जो दिमाग है वो ओपन है खुला है जो भी एक्साइटिंग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आती है उसको मैं ग्रैब करता हूं मैं पकड़ता हूं मैं थैंक यू नेक्स्ट आई वेलकम दिस न्यू डे फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज आई एम ट्रेवलिंग ऑन हॉलीडे एंड हैविंग फन वाओ ओके कौन समझा रहे हैं मैं करूं हाँ जी आई वेलकम दिस न्यू डे फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज मैं आज के दिन का स्वागत करती हूँ जो पूरी संभावनाओं से भरा हुआ है आई एम ट्रेवलिंग ऑन हॉलीडेज एंड हैविंग फन मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ और बहुत मस्ती कर रही हूँ वाओ मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ और बहुत मस्ती कर रही हूँ वाओ आज का जो दिन है इतनी सारी संभावना मेरे लिए खुल रही है मैं आपको क्या बताऊं बहुत मजा आ रहा है और आज ही मेरी जापान की टिकट भी आ गई है आज अभी सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेवल ऑन अ हॉलीडे टू जापान एंड वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन थैंक यू सो एवरीबॉडी ओके रिमेंबर दिस ट्रेवलिंग का एक एरिया मैं आपको सबको बता रहा हूं उसको निग्लेक्ट मत करना छाया जो है हर 15 दिन महीने में एक आधा कुछ तो प्लानिंग कर देती है अभी हमारी पूरी फैमिली अभी नागपुर आए हम लोग अब थोड़े दिन के बाद अभी जापान जाना है फिर अमेरिका जाना है तो उनकी पूरी टिकट्स बुक है मेरी यू रिमेंबर वन थिंग बहुत पैसे हैं हमारे पास आप सोच नहीं सकते उतने पैसे हैं हमारे पास स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ मैं आपको आज वापस बता रहा हूं स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ स्पेंड मनी ऑन अटेंडिंग वर्कशॉप्स जैसे अभी हमारा जो वर्कशॉप होने वाला या सेशन होने वाले लोनावाला में मेक श्योर यू आर देयर आई विल टेल यू व्हाई स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ बहुत पैसे है स्पेंड मनी ऑन बुक्स बुक्स अच्छी खरीदे अटेंड समथिंग वेर यू रियली एंजॉय गो टू सम एग्जीबिशन सम सेमिनार समथिंग समथिंग माइंड को कुछ ना कुछ फीडिंग करते जाओ सो ऑलवेज रिमेंबर प्लान योर हॉलीडे थैंक यू नेक्स्ट I see possibilities for self-improvement and personal growth. Everyday opportunities welcome me. Wow. कौन समझा रहा है? मैं करूं? हाँ जी.
I see possibilities for self-improvement and self-growth. मैं अपने आत्म सुधार और व्यक्तिक विकास के लिए की संभावनाओं को देखती हूँ. Wow, क्या बात है. I create new possibilities and sir, कर दो. Everyday opportunities welcome me. रोज नए 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 अवसर मेरे पास आते हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ. क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया है. Okay, next. I am so happy and grateful now that I create new possibilities and I am moving towards becoming the person I want to be. Lovely. Sir, can I do it, sir? हाँ जी बोले. मैं बहुत 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 खुश हूँ और कृतज्ञ भी हूँ. मैं नए संभावनाएं को का निर्माण कर सकती हूँ और जिस इंसान से मुझे मिलना है उसकी तरफ मैं निकल पड़ी हूँ. मेरी मंजिल की तरफ मैं निकल पड़ी हूँ. Yes. So I am moving towards becoming the person I want to be. जैसे कि मुझे बहुत हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आई एम मूविंग टूवर्ड्स दैट. मतलब मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ कि मुझे बहुत सारी ताकत आती जा रही है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं. आई एम अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ हैप्पीनेस, आई एम अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ लव, माई फैमिली, माई बिजनेस, एवरीथिंग इज रॉकिंग. सो आई एम बिकमिंग द पर्सन. मैं एक ऐसा इंसान बनने की प्रोसेस में हूँ. आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट. आई एम मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द पर्सन आई वॉन्ट टू बी. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल. रिमेंबर दिस. दो चीज याद रखना. देखो देर कुछ पूरे बहुत क्वेश्चन है. वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल. रिमेंबर दिस. करेक्ट. हाउ टू बी सक्सेसफुल? हाउ टू गेट वॉट यू वॉन्ट? देखो ये मेरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर है. ये आपको एकदम बाय हार्ट करना है. हाउ टू बी सक्सेसफुल? हाउ टू गेट वॉट यू वॉन्ट? सो बाय चॉइस एंड ग्रेटिट्यूड. बी हैप्पी राइट नाउ. द इजिएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू गेट वॉट यू वॉन्ट इज टू फील एंड बी हैप्पी नाउ. राइट. ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पावरफुल इमोशन. एब्सोल्युटली, कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट. माय लाइफ इज फिल्ड विद फैंटास्टिक पॉसिबिलिटीज. इम्पॉसिबल इज नथिंग. आई क्रिएट पॉसिबिलिटीज. लवली. कौन समझा रहे हैं? सर मैं करूं? हाँ जी करें. मेरा जीवन बहुत शानदार से भरा हुआ है. मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. मैं रोज नई नई संभावनाएं पैदा उत्पन्न करती हूँ. वाओ. मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. एंड लास्ट में हम कहेंगे थैंक यू. थैंक यू सर. वन मोर. यस, वन मोर इज देयर. सेकंड लास्ट. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ that new possibilities and opportunities are coming from all the directions. Wow. Kaun samjhayega? Anybody? Sir, main itni khush hoon aur itni shukrguzar hoon ki sab possibilities sab directions se mere paas aa rahi hain. Wow. Thank you. Itni sari sambhavnaye mere taraf aa rahi hai. चारों ओर से आ रही है. पैसे की तो जैसे बारिश हो रही है. अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टू मी. पॉसिबिलिटीज. वाओ. थैंक यू. एंड इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. चारों ओर से आ रही है और रोज आ रही है. ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. रेगुलरली आ रही है. और ये फैक्ट है. मैं आपको बता रहा हूं. आई मीन जस्ट टू शेयर विथ यू समथिंग रियली दैट व्हेन यू आर डूइंग दिस सेशन यू आर बिकमिंग हैप्पी. You start attracting good events, circumstances and people. कल हमने चेतना जी का जो sharing देखा था इसमें एकदम clearly हमको जो समझ में आया 18 महीने की बीमारी जब उन्होंने अपने खुद के सेशन शुरू किए तो उनकी बीमारी एक महीने में बिना दवाई के बिना operations के वो ठीक हो गई. और आज आई थिंक 6-8 महीने हो गए हैं. उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो गई. So the power is within us. पूरी शक्ति तो हमारे अंदर है. अब वो शक्ति तब बाहर निकलती है जब आप हैप्पी रहते हो.
जब आप ग्रेटफुल होते हो, थैंक यू करते हो, व्हेन यू आर इन दोस पॉजिटिव इमोशंस, ये शक्ति हमारी बाहर निकलती है. व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, जैसे कल उन्होंने बताया, व्हेन यू डू मेडिटेशन, मेडिटेशंस करते हैं, हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. जो फालतू के विचार कम होते हैं, नेगेटिव थॉट्स कम, धीरे 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 कम होते जाते हैं. दैट इज यू बिकम अ पावरफुल मैग्नेट. और ये पावर सब में है, पर उसके लिए प्रैक्टिस लगती है. एक दिन, दो दिन, 15 दिन में नहीं समझता, एक महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं. और कहते हैं 66 days टू फॉर्म अ हैबिट. कोई भी एक चीज, एक आदत बनानी है आपको 66 days तक करनी है. तो अपना ये प्रोग्राम तो अभी भी 3 महीने तक चलने वाला है, क्योंकि जो स्पीड से हम जा रहे हैं. राइट, ओके, सो लेट्स डू अवर डेली टीचिंग. एंड लेट मी शेयर विथ यू टुडे, रीना इज गोइंग टू शेयर, शी इज फ्रॉम कोलकाता. वो अपनी शेयरिंग करने वाली है 9:35 को, एंड शी इज ऑलरेडी देयर एंड वी वेलकम हर. सो वी विल टेक हर सेशन एट 9:35 आफ्टर द बुक. ओके, प्लीज शेयर द बुक डेली टीचिंग. उनका बहुत ही पावरफुल शेयरिंग है. शी इज अ इंटीरियर डिजाइनर इन कलकत्ता एंड शी इज अ वेरी, मतलब उन्होंने जो मैजिक्स किए हैं आप सुनोगे तो बहुत मजा आएगा. वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. सो इट विल बी आफ्टर अवर डेली टीचिंग रीडिंग एंड आफ्टर ग्रेटिट्यूड. ओके, प्लीज स्टार्ट. आई थिंक डे 45. यस. Okay, can I read, sir? Yes. Can I read? Yes. When you are beginning to create intentionally, it is often better to focus on one thing at a time. With practice, you will have great power to harness your energy. And then you will be able to focus on many things at the one time. Imagine your mind has a magnifying glass with the sun shining through it. As you hold the magnifying glass steady in one place, you will create a fire. There is no difference between a magnifying glass and the sun, and your mind and the universe. Thank you. Thank you. Very nice. Thank you very much. देखो, अच्छा, how many of you all जिन्होंने किया है, एक वो magnifying glass आता है, उसको हम sun के against में करते हैं, और जो वो point को जब focus करते हैं, नीचे paper रखते हैं, तो paper में आग लगती है. कितने लोगों ने ये experiment किया है? Yes, I've done. Everybody, right? सभी लोगों ने चाइल्डहुड में किया है. अगर किसी ने नहीं किया, मैंने भी किया. अगर किसी ने नहीं किया तो आप जरूर करें. आपने क्या करना, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है ना, जैसे वो अपने जो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं अपने हाथ की मतलब लकीरों को, उसको लेना है और सूरज के अंदर रखना है, और उसका जो लाइट्स है उसको ऐसे फोकस करना है कि इट विल बिकम अ पॉइंट, और उस पॉइंट के उधर एक निश एक पेपर रख देना है. आपको पेपर रखना है और मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे पकड़ना है. थोड़े टाइम में उसका जो फोकस, जो स्पॉट डॉट आएगा, वहां पर सीधा पेपर में आग लग जाएगी. अब ये क्या हुआ, जब आपका फोकस एक सिंगल डॉट पे आ जाएगा तो वहां आग लगती है. अब हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं. तो मैंने जब ये राहुल जैन सर का क्लास किया था तो उसमें हमें सिखाया गया था, मल्टीटास्किंग हैज नेवर एवर बीन सक्सेसफुल. कभी भी आप मल्टीटास्किंग करोगे तो उल्टे बल पड़ोगे. कितने लोगों ने ऐसा किया है, मल्टीटास्किंग करते हैं और कुछ ना कुछ टूटा फूटा गिरे लगे, राइट? जैसे कि आप फोन के ऊपर बात कर रहे हो, चल रहे हो, नीचे गिर जाते हो. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो गिर जाते हो, करेक्ट? या ये भी काम करते हो, चाय पी रहे हो और कुछ तो भी इधर हो गया, तो चाय भी गिरी, वो भी गिरी, अपन भी गिरे. आर यू गेटिंग दिस? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग. जब आप मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका जो माइंड का जो फोकस है ना, कहीं पर भी नहीं रहता है. चाय पी रहे हो एक हाथ में, उसको अरे अरे ये गिर गया, तो ये तो चाय भी गिरती, अपन भी गिरते, वो भी, सब गड़बड़ हो जाता है. होता है कि नहीं? नाउ ये जो रूल है ना, मेरी मम्मी को लागू नहीं होता. मेरी मम्मी वो भगवान का नाम लेती है, प्रतिक्रमण करती रहती है, या तो समझो मोबाइल पे बातें करती रहती है, तो उसको बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, उसको डायरेक्शन देती हूँ, सब मल्टीटास्किंग करती रहती है. दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू माई मदर. शी इज अ गुड मल्टीटास्कर. कुछ भी करती रहती है, बैठी बैठी सब
उसको सब सुनाई देता है, मैं वो मतलब कुछ तो भी खाना बनाती रहेगी तो उधर कौन किसके साथ बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका उसका सब ध्यान, मतलब अजूबे है, मतलब शी इज वन ऑफ ओके बाय द वे. सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग जो है आपको आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल पायलट है, पायलट पायलट प्लेन लैंड कर रहा है, कैन यू इमेजिन वो फोन के ऊपर बात कर रहा है प्लेन लैंड कर रहा है, नॉट पॉसिबल, करेक्ट. सो इट इज ऑल अबाउट योर फोकस. फोकस जो है आपका एक चीज पे होना पड़ेगा, इट इज वेरी सिंपल. ओके नाउ हाउ टू गेट फोकस, नाउ दिस इज समथिंग आउट ऑफ दिस चैप्टर. मैं आपको अभी, बहुत लोगों का फोकस नहीं आता है राइट तो आपने क्या करना है, फोकस इज कंट्रोल बाय योर क्वेश्चन. आपने क्या करना, समझो आपका मन भटक रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो एंड यू नो इसने ये बोला, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, आपके माइंड में तरह तरह के सवाल जवाब चालू हो जाते हैं, यू नो थॉट्स स्टार्ट कमिंग. नाउ यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, चेंज योर क्वेश्चन, चेंज योर फोकस. आपका फोकस, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसमें से बाहर निकलूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 100,000 रुपया मिल जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं, मैं व्हाट शुड आई डू. आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज अ मैजिक क्वेश्चन, व्हाट कैन आई डू नाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दिस इज अ मैजिक क्वेश्चन, रिमेंबर दिस ऑलवेज. आपका फोकस चेंज हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस, दिस विल ऑलवेज वर्क. ये जो क्वेश्चन वाला जो मैं आपको बता रहा हूं फोकस को लेके, आपने एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप को, मैं क्या करूं, मुझे ज्यादा ठंडी लग रही, मैंने क्या करना चाहिए, अरे हाय ठंडी लग रही है, मुझे बुखार हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही, ठंडी लग रही, ठंडी लग रही. नाउ यू आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. द मोमेंट यू चेंज योर फोकस फ्रॉम द प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन, योर माइंड विल गिव यू द सॉल्यूशन. रिमेंबर दिस. आपको समझ में आ रहा है, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नाउ focus on the solution. When you focus your thoughts on something, now remember this, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैंने ये लिख के रखा है, जब आप अपने विचारों को एक thought के ऊपर focus करके रखते हो, you hold that focus, you are in that moment attracting the thing you are thinking about. जब आप कोई भी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, जैसे कि मेरा समझो कि मुझे मेरे पेमेंट निकालने, या मुझे अभी एक आई वांट टू डू सम डेवलपमेंट इन पूना, मेरे पूना के प्लॉट के ऊपर, तो मेरा फोकस सिर्फ उसके ऊपर रहेगा. एंड व्हेन आई कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट वन थॉट इन दैट मोमेंट, आई एम अट्रैक्टिंग द थॉट, जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं. याद रखना. अब जैसे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने क्या करना है, अभी हम क्या सोच रहे थे, अरे यार ये डॉक्टर बराबर नहीं है, बहुत महंगा है, ये तो ऐसे ही करता है, दुनिया भर की बातें हम सोचते रहे, 6 महीना हो गया मेरा तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रहा, ये मुझे तो लगता है मेरे मरने के साथ ही मैं ठीक होने वाली हूं, मुझे तो डाउट है, ये वो, दुनिया भर की बातें करते रहते. माय थिंग इज, रिमेंबर वन थिंग, ये आपका माइंड भटकाते रहेगा, स्पीक ओनली वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. बस मैं तो ठीक होने वाला हूं, बस 2-4 दिन में तो ठीक हो जाऊंगा, 2-4 दिन के बाद भी ठीक नहीं हुए, मैं तो 2-4 दिन में ठीक होने वाला हूं, और नहीं हुए 6 महीने तक नहीं हुए, पर आपने बोलना क्या है, मैं तो बस 2-4 दिन में ठीक हूं. दिस इज योर फोकस, दिस इज द मैजिक क्वेश्चन, दिस इज द अफर्मेशन. एंड हैव फेथ, फेथ रखना, डाउट करना नहीं, अरे यार मेरे में इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं. जिस लड़की के दोनों पांव कट गए थे रेलवे में, स्टोरी सुनाई थी ना मैंने, रिमेंबर दैट गर्ल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल, अरुणिमा सिन्हा, सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिधि सिन्हा, ट्रेन से गिर गई थी, अस्पताल में उठी, दिल्ली लाया गया, उनके दोनों पांव कट गए थे, अस्पताल में कितने दिन कोमा में पड़ी रही, जब उसने होश आया और उसको समझ में आया कि उसके दोनों पांव कट गए हैं, तो बोले अब तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी.
And she is the lady jinhone not only Mount Everest but seven peaks chadke aayi hai bina pair ke. Agar wo kar sakti hai, to main bhi kar sakta hu. Remember this. So we have infinite possibility. Focus on the solution. Focus only on what you want. Bas. Baki kuch baat hi nahi karna. Muh chup, band. Kam bolo. Because you are a magnet. Faltu ki baatein karte jaoge, faltu ki baatein attract karte jaoge. Phir bole ka ho hi nahi raha hai. Got it? Okay. Next. Somebody please remind me because, you know, we have to stop. So we'll stop at about 9:30. Today we will do the prayer also then properly. Okay. Who's reading? Sir, can I read? Shall I read? Yes, yes. Continue. Sir, any new person is reading, it's okay. Okay, kon padhna chahega? Shall I read? Main padhna chahunga, sir. Haan ji, Isha, yes. Subhash. Next padhna, baki ka. Haan, aap padhe. Subhash. Okay, thank you, sir. Dash 46. If you are just beginning to use the principle of the secret, my advice to you is to focus on working on the frequency of your being first. Ask for what you want and then work on the inside of you. Work on lifting the frequency of your being through your thoughts and feelings. Tune your frequency to be in harmony with the universe. The frequency of the universe is a frequency of pure goodness. Thank you. Thank you very much. Okay. अब एक चीज समझ, एवरीथिंग इज एनर्जी. आप में सब कुछ एक एनर्जी है, ठीक है? आप में सब कुछ एवरीथिंग इज एनर्जी. और हम जो हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे. आपने वो डॉक्टर के वहां पर देखा रहेगा ना, टक टक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फ्रीक्वेंसी होती है वो. ओके. और ये फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? हमारे फीलिंग्स. फीलिंग्स याद रखना, हमारे फीलिंग्स. घबराहट हो रही है तो हमारे फीलिंग्स अलग रहेंगी, हमारे वाइब्रेशंस अलग रहेंगी, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी. एंड व्हेन यू आर एक्साइटेड, व्हेन यू आर हैप्पी, आपकी फीलिंग्स अलग रहती है, फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, ठीक है? अब ये कहता है कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, मतलब आपने अपनी फीलिंग्स पे काम करना है पहले, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं. अब फीलिंग्स को अच्छी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, पॉजिटिव इमोशंस में रहने पड़ेंगे. पॉजिटिव इमोशंस इमोशंस कौन से हैं? हैप्पीनेस, जॉयफुल, ग्रैटिट्यूड, लव. लव एंड ग्रैटिट्यूड को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इन पॉजिटिव इमोशंस में. वहां सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे हाई है. लव, ग्रेटिट्यूड, उसके बाद में आता है एक्साइटमेंट, पैशनेट, यू नो, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, बीइंग पीसफुल. सो दीज आर ऑल पॉजिटिव इमोशंस. सो इफ यू कीप ऑन डूइंग द थिंग्स दैट यू लव, अगर आपको इस सेशन में आना अच्छा लगता है, कंटिन्यू टू डू इट, क्योंकि आपके जो शरीर की फ्रीक्वेंसी है ना, वो थोड़ी हाई होते जाती है. And when you practice gratitude, when you practice gratitude, okay, आज somebody was just sharing me, I was just going out of this thing. So somebody was listening, जिन्होंने हमारा workshop attend किया था this Sunday को about public speaking, and she was sharing that उनका जो sharing है, उनका जो public speaking है, बहुत बढ़िया हो गया. अब मैं आप लोगों को सबको एक technique सिखाता हूँ. एक मैंने वो class में रह गया था मेरा, वो मेरे बहुत दिन से हो रहा था, मैं share करूँगा. जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, या जैसे फॉर एग्जांपल जूम के ऊपर हो या वट एवर, ऑलवेज ऑलवेज यूज द पावरफुल इमोशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, एप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. आप जब भी स्टेज पे खड़े होते हो तो आपने कुछ ना कुछ चीज की तारीफ करनी है, या थैंक यू बोलना है, या किसी को भी, जैसे आपके ऑफिस में आप, now when you are a speaker or something, always use these powerful emotions. This will make your speech very good, right? So tune into the frequency of harmony.
थोड़े शांत हो जाओ. बढ़िया, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट सर, 927. यस, वी टेक दिस लास्ट वन. ओके, एक बार ले लेते हैं. 47, डे 47. Can I read, sir? Okay. So can I? Yes, please read. If you want to attract more money, make lists of things you will buy with the money. Surround, sir, mera hi jawab aa gaya. Surround yourself with pictures of the things you would like and always feel the feeling of having those things now. Imagine sharing those things with the ones you love and imagine their happiness. Now you are creating. Thank you. देखो आपको आपका जवाब मिल गया. Okay. अब ये क्या कहता है? Money is a byproduct of your dreams. कभी भी अपने सपनों को manifest करो. 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh मत manifest करना. उन पैसे का आप क्या करने वाले हो? आप 100 crore का भी सपना देखे हो तो 100 crore में फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आप सोचोगे वाओ मेरा कितना बढ़िया घर है, 5 bedroom का घर है विद अ टेरेस एंड वाओ ब्यूटीफुल हाउस, आई एम ड्राइविंग माय ब्लैक कलर एस क्लास मर्सिडीज, वाओ ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया मजा आ रहा है. सो नाउ यू आर विजुअलाइजिंग. और कल हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक में देखा था, याद है ना, आपने उसको पिक्चर के फॉर्म में देखना है. जैसे कि आप अपनी मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं तो आप कहाँ चला रहे हैं, कहाँ रुके हैं, कौन से सिग्नल पे, नाउ यू आर टेकिंग, नाउ यू हैव टू सी द हैंडल, सी द कार, सी द इंटीरियर. अगर आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है तो आपने पहले मर्सिडीज के गाड़ी के शोरूम में जाना है, एक गाड़ी में ऐसे बैठ के फिर विजुअलाइजेशन चालू करना है घर पे आके. आपको घर खरीदना है तो आपने 2-4 घर देख लेना है और वो विजुअलाइजेशन करें उसको. सराउंड योरसेल्फ विद पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स यू वुड लाइक and always feel the feelings of having those things. आपने अपने आप को अभी ये मेरे आजू बाजू में पूरे दुनिया पर क्या ऐसे पिक्चर्स लगाए हुए हैं. For the thing, I am attracting all those things. So I mean, you know, I mean, I am looking at all those things. I have surrounded myself. You want to see this? So this is what my mera this is my house office in Nagpur. So these are all the pictures, you know. So here I have a picture. Of all my mentors, I like all those pictures. Jaise Warren Buffett, I have got Mukesh Ambani, Dhirubhai Ambani, Tesla ka owner, Elon Musk, all those people. I have a picture, very nice. Tomorrow I will share that picture also. So what I have done is I have surrounded with the pictures because these people here, Ajim Premji is one of my favorite because he's a giver. I will share you that picture tomorrow. Aur unki sabki signature wala picture hai ye. So you surround yourself with pictures. मैंने यहाँ पर मेरा एक ये ग्लास का डोर है, वहां पर मैंने चाइनीज में ऐसा कैलीग्राफी किया. I'll just show you. Okay, everybody can see this. Can you see this? Can anybody see that? Yes, sir. कुछ दिख रहा है. हाँ. Yes, sir. वो जो है, that is the Chinese calligraphy of gold. It is the Chinese calligraphy of money. This is what I have done. This is like, you know, you have to surround yourself with pictures. Money is coming to me. Paise ki to barish ho rahi. Wow. This is what this picture says. Okay, thank you very much. So today we stop here. And tomorrow, I think, kal tomorrow we, who's taking the class tomorrow, Mridu? Yes, sir. I am taking. Wow. Kal Mridu class lene wali hai. So thank you very much. And I am possibilities. So let's do a small gratitude prayer. So everybody can close their eyes or keep their eyes open. Jaisa theek lage waisa hum baithenge. Aur hum ek meri favorite gratitude I will say. So this is my own prayer. Jisme main thank you ko thank you kar raha hun. So I say thank you to thank you. Because after I started saying thank you, मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई है. आई हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मैजिक्स, आई हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन माई लाइफ ओनली आफ्टर आई लर्न टू से थैंक यू. देयरफॉर आई से थैंक यू टू थैंक यू. थैंक यू टू माई माइंड बॉडी एंड सोल. थैंक यू टू माई हार्ट.
for beating 24/7. Thank you to my lungs for breathing in, storing in oxygen. Thank you so much. Thank you to my digestive system. Thank you to my kidney for processing the food. Thank you to my hands. Thank you to my legs. मेरे आंखों का शुक्रिया, मुझे सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है. मेरे कानों का शुक्रिया, मुझे सब सुनाई दे रहा है. I can smell things. Thank you. I can taste things. Thank you. Thank you to my 100 trillion cells, जिसमें इतनी सारी शक्ति है. Thank you to my immune system. Thank you so much. Thank you to my good health. The gift of health is keeping me alive. आज मैं जिंदा हूं, उसके लिए शुक्रिया. Thank you. Thank you. Thank you. धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. Thank you to my parents, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया. Thank you so much. Thank you, Papa. Thank you, Mommy. Thank you for the unconditional love, care, and support. Thank you for your guidance. Thank you for all the money you have spent on me. आपने मेरे पढ़ाई पे, मेरे अस्पताल का, मेरे हर चीज का, everything you made, you earned money. आपने इतनी सारी मेहनत की, उन सभी का शुक्रिया. Thank you so much, Papa. And I love you. You are the best. Thank you, Mommy. उन्होंने मुझे दूध पिलाया, हमेशा बहुत ज्यादा प्यार किया. Always she supported me. Always she took my side. Thank you, Mommy. Thank you so much. You are the best. And I love you. Thank you to my family. Thank you to my wife. Thank you to your spouse. Thank you to my children's. आज मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू माय ग्रैंड डॉटर. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग मी द जॉय. थैंक यू माय ग्रैंड डॉटर मिराया फॉर मेकिंग मी अ चाइल्ड अगेन. बच्चा बन जाता हूं मैं. एंड आई लव प्लेइंग विद हर. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू माय हाउस, वंडरफुल हाउस. इतना बढ़िया मेरा घर है. थैंक यू सो मच. I love my house. I love the cars I own. Thank you to all my investments. Thank you to all the luxuries in my life I'm enjoying. Itni sari luxuries, itne sari electronics. Sabhi cheezon ka dhanyawad. Everything is making my life beautiful. I'm living an amazing life. Main ek adbhut zindagi jee raha hoon. I'm living a life of possibilities. All good things are coming to me. Itni sari achhi cheeze aa rahi mere taraf. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Dhanyawad. Shukriya. Meherbani. Thank you. Wow, sir. Thank you, sir. Thank you so much for the amazing thank you, sir. Wow. Thank you. Wow, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. आपको मैं आज बता रहा हूँ, अगर अश्विन मुंजाल नहीं होती थी तो मुझे थैंक यू कोई नहीं सिखा सकता. मैंने थैंक यू आज तक नहीं बोला और आज मैं थैंक यू को थैंक यू बोल रहा हूँ. थैंक यू अश्विन जी एंड थैंक यू मुंजाल फैमिली. इन्होंने जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है. अगर आप लोगों में से किसी ने भी अश्विन मुंजाल के ग्रेटिट्यूड सेशन नहीं अटेंड किए हैं, आई वुड टेल यू ऑल, यू आर मिसिंग समथिंग रियली वेरी वेरी पावरफुल. आई एम टेलिंग यू बिकॉज वो टेक्निक सिर्फ और सिर्फ, मतलब आई अंडरस्टैंड शी इज अमेजिंग टीचर. वो ऐसे सिखा देगी आपको कि आपके 100 ट्रिलियन सेल्स में पूरा ग्रेटिट्यूड घुस जाएगा. बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट नॉट वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग. हमने अश्विन जी के साथ में 2-2.5 साल तक जब भी उन्होंने सेशन लिए, वी वर देयर. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो टुडे वी हैव अवर स्पेशल गेस्ट रीना. रीना इज फ्रॉम कोलकाता एंड शी इज द इंटीरियर डिजाइनर. अब हम सुनेंगे उनसे कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे जादू हुए, क्या क्या मैजिक्स वो अट्रैक्ट किए, एंड इट इज एन अमेजिंग स्टोरी. So welcome Reena to our session. Thank you very much for coming. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, तो मैं आपको एक पूछ रहा हूँ
कि जैसे आप यू आर फ्रॉम कलकत्ता कोलकाता और आपकी जिंदगी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटिट्यूड सीखने के पहले कैसी थी, हाउ वाज योर लाइफ हैपनिंग सर? आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस अराउंड 1.5 इयर्स बैक व्हेन आई डन अश्विनी मैम्स क्लास एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अटेंडिंग योर क्लास एंड निखिल एंड गुरप्रीत मैम्स क्लास इन द मॉर्निंग. So after that, you know, it started slowly sinking in and I started understanding it. And from then onwards, my life changed. So there were some changes which were happening all the time. But the major change which happened was in November when I had to have a knee replacement surgery. So, you know, people were discouraging me a lot and telling me that, you know, why are you doing it now and do it later? But I always remember this line of yours that you are meant to have an amazing life. So, you know, that was my focus. And I said, I have to do whatever I can to come up to that amazing life. So without having any doubt, I had full faith that this surgery will be totally successful. And I had full faith in my doctor and I went ahead with the surgery. And now it's been 3 months and I'm totally fine. Wow. So now what did we learn? देखो इनको क्या काम कराया. Affirmation. एक ही sentence. I am born to live an amazing life. मैं एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूं. मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा. मैं एक अद्भुत जिंदगी and have faith. मैं एक अद्भुत जिंदगी जीने को पैदा हुआ हूं. I am going to live my life. मजे आने वाले हैं. This one sentence. उन्होंने अपना dominant thought बना दिया. देखिए, now she is showing a vision board. Sir, I wanted to show you, this was about 2 weeks before I went to the hospital. So here I've written, thank you to the doctor, thank you to Fortis Hospital, thank you to my doggy with whom I can go for a walk, thank you for my holiday in Bali, thank you that I can run. So I made this about 2 weeks before my surgery. And while I was in the hospital, the doctor saw it and the admin staff saw it and the nurses saw it. And, you know, as soon as they saw it, they were also in such a good mood and they were, you know, putting in extra effort to look after me because they were so happy seeing this. They said, everybody thanks later, but nobody thanks before. ये तो हमने सीखा है, magic. हाँ जी सर, आपसे ही सीखा है. Magnificent outcome करो, magnificent outcome. आप waiter को tip पहले बाद में देते हो. I know so many people कि वो जाते से ही पहले पैसे दे देते हैं. तभी जाके उनके काम होते हैं. मैग्निफिशेंट आउटकम, इन्होंने मैग्निफिशेंट आउटकम काम किया. एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू. तो अगर ये ग्रेटिट्यूड के पहले अगर आपका ऑपरेशन होता तो आप कैसे बिहेव करती? सर, आई वुड हैव बीन सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई वुड हैव गॉन इन फॉर द ऑपरेशन. अनदर वंडरफुल थिंग, व्हाइल द सर्जरी वॉज गोइंग ऑन, सर, दे हैड गिवन मी एन एपिड्यूरल इंजेक्शन व्हिच इज इन द स्पाइन. So my lower portion was numb, but my upper portion, I could totally hear and see and, you know, hear the doctors talking. So when they were doing the knee replacement, they had to cut the knee, they had to saw it, and they had to do all the process of hammering and everything, literally like a carpentry workshop. So that time I was just thinking of the person who invented anesthesia, of the person who had invented a knee replacement, because otherwise I wouldn't have got a new knee. And I was just constantly thanking the doctor. That was my dominant thought. This is really amazing. देखो ये मतलब हम सोच नहीं सकते हैं, हमारी फटी पड़ी रहती है, डर जाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन इतने नेगेटिव हो जाते हैं. बट इमेजिन नाउ दिस लेडी इज गेटिंग ऑपरेटेड, शी इज सीइंग कटिंग हैमरिंग, ये वो कुछ नहीं हो रहा है. शी इज बीइंग थैंकफुल, शी इज बीइंग थैंकफुल टू द पीपल हु हैव इन्वेंटेड ऑल दोस थिंग्स, शी इज थैंकफुल टू द डॉक्टर. ऑब्वियसली सर्जरी अच्छी होने वाली है. एब्सोल्युटली यू आर द क्रिएटर, शी वॉज अ क्रिएटर एंड शी वॉज क्रिएटिंग हर लाइफ, शी वॉज क्रिएटिंग हर ऑपरेशन. क्या अच्छा ही होने वाला है, कोई डाउट ही नहीं था, राइट? यू टॉट मी दैट सर, बिफोर दैट आई वुडन्ट हैव बीन एबल टू मैनेज दैट. थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग. ओके, सो What about your business? Anything you would like to share? Any other magics? अभी आप इतना चमत्कार पे चमत्कार करते जा रहे हैं. हाँ जी सर, absolutely. Sir, business में भी, you know, before this I had some doubts about the clients. Like कोई भी meeting के लिए जाते थे, I always used to think कि होगा कि नहीं होगा, कि
dekha jayega, you know, like that. But now whenever I go for a meeting, I go very positively that it is going to happen and the client is going to like our work and the client is going to give us the contract and we are going to get our payments in time. Earlier, I always, because one client had, you know, messed up with the payment. So I always had this thought that client's payment last wala kabhi dete hi nahi hai, kabhi atka dete hai, always ye thought tha. But ab wo dimag mein aata hi nahi ki haan, sab clear ho jayega, site achche se handover ho jayega. So how is your performance now? Aap jaise abhi aapka performance kaisa ho gaya? Like pehle aap kaam karte the, your delivery, like you know your product, end product. Sir, usme bhi bahut change aaya hai ki pehle main sochti thi ki you know bas jitna kaam hai utna karke nikal jao. But now I've realized that you have to give more than 100% to the client, and the clients also realize that now after they've seen our work for the last 1 year, they're also realizing that you know jitna zaruri bhi nahi hai, we are putting in that much of effort. And not like we're not telling the client that we are doing this, but they can see that it's a change in our work attitude. Okay, so now this one thing is common with all successful people. Remember this. This one thing is common. They always give more than 100%. If you now, this is a bottom line I have read in many books, and with all the successful people, they have been telling only one thing. Give more than 100%. Give more than what you have promised. Absolutely, this is the secret to success. Absolutely, sir. And you are very fine with it. Like, aapko yes, aisa sir. But you want nahin, to mere ko aisa nahin lag raha hai ki mere ko jyada karna pada hai kuch. Ab to lag raha hai ki bas haan, karte jao, it's good. Isi se to barkat aati hai. This is how you become a powerful magnet. Are you attracting more clients now? Yes, sir. Yes, sir. In the last 3-4 months, we've got 3 new clients, which I was, you know, earlier maybe, I don't know, but now we have 3 new clients. Wow. Can you see the abundance? Yes. How is this abundance coming? Because of her change of thoughts. Unhone apne vicharon ko badli kiya. Change your thoughts, change your world. The moment she started thinking of giving more, she started attracting more clients. Now, अच्छा आप पहले जो charge करती थी उससे ज़्यादा करते हैं क्या? नहीं sir, ऐसे ज़्यादा नहीं करते हैं, but I'm giving more. Okay, you are giving more. Yes, yes. Okay, wonderful. Or any other magics you would like to share? Sir, एक बहुत funny चीज़ है. Like from bachpan, I was very fat, so I always had this thing in my mind that you know, मीठा नहीं खाओ, fried नहीं खाओ, मोटे हो जाओगे, पतला रहना and all that. So कहीं भी हॉलीडे में जाते, एवरीबडी यूज्ड टू क्रेव कि तुम तो कुछ खाती नहीं हो, यू एंजॉय योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू ईट. सो दिस टाइम आई यू नो डिड अ चेंज इन माय थॉट. आई हैड गॉन टू लखनऊ टू माय मॉम्स प्लेस एंड शी ऑब्वियसली वांटेड टू पैम्पर मी, बेसन का लड्डू खा लो, ये खा लो, गज्जक खा लो, चिक्की खा लो, ऑल द फैटनिंग थिंग्स व्हिच आई हैड थॉट. बट देन आई चेंज माय थॉट प्रोसेस. आई सेड नो, दिस इज नॉट फैटनिंग. My metabolism is so good that you know all this is getting digested and it's not getting converted to fat. So I didn't even put on 1/2 kg, sir. This is very funny. Okay, so a few days ago, Dipanjali aayi thi. Dipanjali was from Chandigarh. Unhone bhi sharing kiya tha ki zindagi bhar unhone sugar nahi khai kyunki moti ho jaungi. Aur jab unko ye samajh mein aaya, the law of attraction, ye wo. What you think while you are eating is important. Absolutely. And not what you are eating. आपकी सोच क्या है, जो भी आप खा रहे हो उस टाइम पे आपकी सोच क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. यस, सो आई बिलीव माय मेटाबॉलिज्म इज वेरी गुड. कुछ नहीं होने वाला है. आर यू गेटिंग दिस? इट इज जस्ट अबाउट योर थॉट्स. इफ यू थिंक कि मैं खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा खाती हूँ, मोटी हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, सो नाउ मोटी हो जाऊंगी बिकम्स योर डोमिनेंट थॉट एंड यू विल अट्रैक्ट योर डोमिनेंट थॉट. इन्होंने आधा किलो भी वजन नहीं बढ़ाया, भरपूर खाया, दे बर्फी खाई, लड्डू खाए, माँ के हाथ का सब प्यार खाया. थैंक यू. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग इन योर रिलेशनशिप में भी? यस सर, एवरीथिंग इज, आई एम सीइंग अ डिफरेंस इन ऑल माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, विद माय किड्स. वी आर मोर फ्री नाउ एंड आई एम नोटिसिंग द डिफरेंस. वाओ. सो व्हाट सर, इन माय विजन बोर्ड, in my vision board, Ashmeen ma'am, you, Nikhil sir, Gurpreet ma'am, all there. Thank you. Wow. So this is all, Reena. Anything else you would like to share? No sir, I think that is what I have been experiencing. Thank you very much. Thank you for inspiring us. Thank you sir. Thank you.
एंड देखो आज इन्होंने अपना विजन बोर्ड बताया है. विजन बोर्ड सबने बनाना है. मैं आपको बताता हूं बहुत पावरफुल टेक्निक है विजन बोर्ड. दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोगों के जिनसे मैंने वीडियोस देखे हैं सो दे हैव ऑल शेयर्ड दैट दे हैव देयर ओन विजन बोर्ड. अपने बच्चों को कैन यू प्लीज शो योर विजन बोर्ड अगेन. समबडी वांट्स टू सी दैट अगेन. आराम से जस्ट थोड़ा पीछे जाके दिखाएं जरा सो दैट इट कैन बी क्लियर टू एवरीबॉडी. एंड डोंट मूव. या लिटिल लिटिल मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. थोड़ा ये साइड. हाँ टुवर्ड्स योर फेस. यस परफेक्ट. सो देखो उन्होंने ट्रेवल का एरिया किया है, पैसे का किया है, फिर उन्होंने अपने गुरु का फोटो लगाया है, मैजिक बुक को थैंक यू किया है. कैन यू सी ऑल दिस? शी इज गॉट अबाउट हर हेल्थ. नो सर वी कैन सी. वी कैन सी यू ऑन द स्क्रीन नॉट द मैजिक बुक. एक मिनट. आपने सर टेल हर टू पोस्ट इट नो ऑन द ग्रुप. ऑलरेडी वी गिव अस. आई विल डू दैट. हाँ पोस्ट कर लेना. देखो उन्होंने घर का फोटो डाला है. My sites, my what sites I'm doing as an interior designer. देखो solitaire diamond की ring भी है. My ideal weight on the weighing scale. What is that? My ideal weight on the weighing scale. अच्छा अच्छा. Okay. Got it. Okay, so now this is the way to program your mind. जो एक बार आपका subconscious mind ने उसको accept कर लिया तो योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन. ये टेक्निक्स हैं जिसके ऊपर लास्ट 100 सालों में इतनी सारी रिसर्च हो गई है कि अपना माइंड कैसे फंक्शन होता है. देखिए भगवान ने अगर इतनी बड़ी, हमारे पास एक बढ़िया स्पोर्ट्स कार है, मर्सिडीज गाड़ी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, पर अगर आपको उसका टेप रिकॉर्डर एसी ऑन करना बंद करना शुरू करना नहीं आता तो वो गाड़ी कुछ काम की नहीं. हमारा शरीर भी एक फरारी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, और उसका रिमोट कंट्रोल ये माइंड है. इसको कंट्रोल करना, उसको कैसे सिखाना, कैसे काम करवाना, उसको सीख लो. यू विल बिकम अ मैग्नेट ऑफ गुड थिंग्स. स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ. ओके थैंक यू वेरी मच. सो थैंक यू. आई थिंक दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस सेशन. सो इफ देयर इज एनी शेयरिंग और एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक वन और टू एंड बिफोर वी एंड. Yes, anybody has any questions or sharing? Okay. So thank you very much and we end the session. Sir, I have a question, sir. Okay. सर आई वुड लाइक टू आस्क यू. आपने आज बोला कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो यू हैव टू थिंक व्हाट यू वांट रादर देन थिंकिंग अबाउट मनी. नाउ मेरा कंसिस्टेंटली एक ही थॉट था कि आई वांट टू इंक्रीज माय इनकम, मंथली इनकम आई वांट टू इंक्रीज. बट आपने बोला ये नहीं करके आपको जो चाहिए उसके ऊपर ड्रीम करना है. बट आई वॉन्ट इनकम फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सो I want, मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को एक empire खड़ा करना है, business empire. तो क्या मेरे को वो business empire dream करना चाहिए rather than income increase? कैसे करना चाहिए मुझे? So थोड़ा सा इसमें clarity दिखाइए. So now there are 2-3 ways of doing it. Okay. जैसे मैंने मेरा जो dream list लिखा है ना, मैंने मेरा turnover का एक target रखा है, ठीक है? 2030, in the year 2030, my turnover is 7,000 crores and net profit is 210 crores. तो मैंने क्या किया वो मैंने कर दिया हूं, ठीक है? So that is also okay, right? But now you will get more feelings. Now इसमें कैसा था? There is a thing, there is a book called Wealth Beyond Reason by Bob Doyle. उसमें बहुत अच्छा लिखा उसने. Bob Doyle की इतनी पतली बुक है. This is one of the best books you everybody should read. जिनको भी money attract करना है, Wealth Beyond Reason by Bob Doyle, D-O-Y-L-E. उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उस बुक के अंदर कि when you are like manifesting 1 crore rupees, okay, wow, I'm getting 1 crore, I'm getting. Now what feelings you are getting? Instead of that, you start feeling कि वो 1 crore rupees का आप क्या करने वाले हो? जैसे कि आप अंगूठी लेने वाले हो, जैसे कि आप एक घर लेने वाले हो, जैसे कि आप अपना business expand करने वाले हो. So now what you think is, wow, मेरा ये business, मेरे 4 businesses चल रहे हैं. I have got offices in Mumbai, Delhi, Calcutta, Madras. Wow. You start imagining what you are going to do with that money.
Now you start getting more feelings. Bob Doyle ने क्या समझाया उस बुक में कि ultimately जो पैसे हैं उसका कुछ ना कुछ आप खरीदने वाले हो ना, तो why don't you focus on the end product? Right, sir. So I have written down my turnover, ये वो, but you start imagining, जैसे अपने top 10 desires है ना, वो top 10 desires लिखे हैं, correct? Right, sir, right. उसमें लिख दो आप, but when you are imagining, when you are visualizing, you will start getting more feelings. Perfect, sir. Wealth beyond reason. मैंने वो जो बुक का लिस्ट भेजा है ना, मैंने ग्रुप में, पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप में, उसमें है, by Bob Doyle. Wealth yes. beyond reason. Wealth very beyond nice reason. Book, very पतला बुक है, बढ़िया बुक है. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Okay, so sir, मुझे एक चीज पूछनी थी सर. आजी पूछे. नमस्ते सर. सर मेरी डॉटर का मुझे विजन बोर्ड बनाना है कि वो एक बहुत अच्छी, उसकी जो नॉवल लिख रही है वो बहुत अच्छे यूके के पब्लिशर से पब्लिश हो गई है एंड शी इज अर्निंग वेल्थ एंड नेम. ओके, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि यू आर अटेंडिंग द पार्टी ऑफ द सक्सेस ऑफ द बुक लॉन्च बाय योर डॉटर. आप अटेंड कर दिए उस पार्टी में. उस पार्टी में कौन कौन आए हैं? आर यू गेटिंग इट? So that is yes. Yes. So I am attending the success, the party to celebrate the success of your daughter's book. Book launch. All okay. कितने बड़े-बड़े लोग आए हैं, कितनी पार्टी में क्या खाना है, कैसा म्यूजिक चल रहा है, कैसे लोग डांस कर रहे हैं, कैसे लोग आपकी डॉटर को और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं. जी सर. This is the visualization process. So आपको लिखना है कि I am so happy and grateful that now today I am attending the party, the celebration party of my book, my daughter's best-selling book, so and so, so and so, so and so. तो publisher ऐसे attract करना है तो वो क्या डाल सकते हैं sir? Best publisher को ऐसा कुछ नहीं. आपका सब complete हो जाता है. You are attending the party में publisher भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है अंदर. सब कुछ होने के बाद ही वो होता है, right? Okay sir, thank you sir. Thank you very much. Okay, so let's clap. Our 52 types की बीमारी अपनी दूर हो जाती है by clapping. So thank you so much. Let's clap and enjoy and thank you. Good night. Thank you, sir. Sada shukriya, shukriya, dil se shukriya.